आप क्या बताया था अभी, साथ साथ आपने भी सॉल्व करना, ठीक है। एट द जी एंड जी ऑफ द लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था कि इट इज व्हाट पी स्क्वायर, पी पी की पावर पी स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर को यू लेंगे, टी तो टाइम्स ई यहाँ का पर पावर सबसे पहले टी हमने ठीक स्क्वायर। सा, जिससे मैंने जी आपको सॉल्व करने का तरीका बताया है ना, इसको अगर फॉलो करोगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है, पहले लिखना है यू, पहले आपने उससे पहले आपने क्या लिखना है, इसको अरेज करो, फॉर्मूला लिखना है आपने, फॉर्मूला लिखोगे यू वी वी इक्वल्स टू वी माइनस वी। ये करने के बाद आपने देखना है कि यू की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर है, और आप डी यू निकालोगे, सो डी यू विल बी टू टी डी टी। अब वी की डी वी की वैल्यू आपके पास है टी 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 स्क्वायर, टी की पावर टी और टी की पावर पावर स्क्वायर, ये बात याद रखना, डी टी। ये स्पेशल केस है, ये इसके एक्सपेंशन के अंदर हम v फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसका इंटीग्रल फाइंड करते हैं, जो कि होगा t e t स्क्वायर d ऑफ t। अच्छा, अब ये फॉर्मूला है बेसिकली, या समझ लो कि एक इंटीग्रल का थ्योरम है ये, कि अगर ऐसे आ जाता है कि t आ जाता है और उसकी पावर भी आ जाती है, तो मेरे पास जो कुछ पावर में है क्या है, जो कुछ पावर में, सेम पावर में क्या है, टू है, तो ये आ जाएगा 1/2। अगर ये आप मुझे सर अगर 5 होता तो 1/5 आ जाता, और बाकी उसी तरह ये वाली वैल्यू आ जाएगी e t स्क्वायर। आपको समझ आया नहीं आया? कैसे ही हुआ नहीं, मतलब ये रूल है कैसा, क्या अगर जी ये जिस तरह इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला है ना, इसी तरह ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला है, किसका है, एक्सपोन एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला है। तो ये तो मेरे पास ऐसे था ना, आप मुझे सर अगर कोई और वैल्यू आ जाती, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर ये डी वी की वैल्यू लेट से होती मेरे पास टी ई की पावर टी 5 डी टी, जब मैं इसका इंटीग्रल लेता तो ये वी की वैल्यू आ जाती मेरे पास 1/, अब मेरे मेरे पास टी की पावर में क्या 5 है, तो 1/5 आ जाएगा, बाकी ये वाली वैल्यू टी टी 5। ठीक हो गया? सही है, बैठे सही सही। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, यहाँ मेरे पास यू की वैल्यू भी आ गई है, डी यू की वैल्यू भी आ गई है, डी बी की भी और वी की भी। अब सिंपली मैंने अप्लाई करना है, तो इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, यू की वैल्यू है मेरे पास टी स्क्वायर, इसमें डालूंगा, ठीक है, डी की वैल्यू है 1/2 टी टी स्क्वायर माइनस इंटीग्रल। अच्छा, वी इज 1/2 टी टी स्क्वायर। अच्छा, विद द वैल्यू, अब वैल्यू कौन सी है इसकी, डी वी, डी वी की वैल्यू, डी यू की वैल्यू क्या है, टू टी डी टी, ये हो जाएगा टू टी डी टी। ठीक हो गया? हम तो ये टाइम्स 2t है। हाँ, टाइम्स टू टी है, ऊपर है, अच्छा ये हो जाएगा 1/2 टी स्क्वायर, ये 1 है, ठीक है, तो सब बड़ा हो गया 1 माइनस। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1/2 है और 2 है, 1/2 है और 2 है, तो मैं ये इसमें कलर चेंज कर देता हूँ, ये 1/2 ये इससे कैंसिल, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ई टी स्क्वेयर विद द वैल्यू टी। ये वही चीज बन गई है ऊपर, जो जो हमने इंटीग्रेशन में फाइंड करा था मैंने, के टी ई टी स्क्वायर, आपको बात समझ आ गई, जी तो इसका वही हो जाएगा कि 1/2 टी टी स्क्वायर प्लस सी।
आपको ऑप्शन में जाना है। जी सर, अब समझ आ रही है। क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट, अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। बिल्कुल बिल्कुल। ये LIAT क्या है? LIAT, ये जो लाइट डजंट क्वाइट वर्क, फुल फॉर्म क्या है इसका? लाइट वो जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो गए मुझे। नहीं ठीक है सर। चलिए सर, समझ आ गई है, इसको रीडू करते रहेंगे। लाइट जो है ना, ये निमोनिक है। निमोनिक का मतलब पता है, जब चीजें याद सर। करनी हो तो उसके सराउंड एंटरनल बना देते हैं। अच्छा ठीक है। Everything is clear इस क्वेश्चन का? हेलो सर, पार्ट कॉपी सब सब कॉपी कर लिया है। ठीक हो गया। डन हो गया अभी तक? हाँ जी सर, सब ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी, ये आप समझ लें कि ये उससे भी मुश्किल है। ओहो, ये तो बहुत ही ज्यादा लग रहा है। ये लूप आ, इसके अंदर लूप्स हैं, लूप्स यानी कि एक के अंदर इंटीग्रेशन, उसके अंदर इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन, इस तरह है। अच्छा, आपने कोई क्वेश्चन में सॉल्व किया होगा इंटीग्रेशन साइन। सर इसको भी वो व्हाइट स्क्रीन में कर ले सर, वो अच्छा हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ना। नहीं नहीं आसान से है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मोर देन वंस। ठीक है सर, साइन वेट। ठीक है सर, कंटिन्यू करते हैं। चलो, क्योंकि इसके साथ जगह है ना मेरे पास बहुत सारी, तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ आराम से। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें? इस तरह फार्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या होगा मेरे पास? यू सर, यू डी यू इज इक्वल टू यू वी, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ वी डी यू। पहले सॉरी डीवी होता है, फिर डी यू होता है। नहीं, यहाँ एक मसला है ना, यहाँ मसला एक है, वो हम देखेंगे अभी तक। क्या मसला सर? एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड, गिव मी वन सेकंड प्लीज। हेलो जी, बोलिए सर। अच्छा, सबसे बड़ा मसला जो आपने नोट ही नहीं किया है इसमें, देखो हमेशा कोई भी अगर साइन का फंक्शन आता है, आपने पीछे भी पढ़ा होगा, वो होगा साइन एक्स एलन एक्स, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो साइन का फंक्शन है वो एक्स के वेरिएबल नहीं है, उसके अंदर वेरिएबल है एल एन एक्स,
तो ये पूरा मेरे पास एक फंक्शन है। अब आपको समझ आई बात या नहीं? अभी भी नहीं आई? जी आप सही कह रहे हैं, मतलब कि साइन टाइम्स एल एन एक्स है। हाँ देखो हमेशा साइन, सिंपल साइन की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, साइन के साथ वेरिएबल होगा तो फिर होगा ना, साइन एक्स होगा जो भी होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये बड़ा यहाँ पे जो ट्रिक है, यानी कि यही नहीं आपने अगर समझा तो समझ लोगे सवाल ही खत्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि नॉर्मली हम यहाँ करेंगे कि ये मेरे पास क्या है, यहां से लेके यहां तक ये मेरे पास u है, और ये जो dx है ये क्या है, dv है मेरे पास। अगेन मैं इसको यहां लिखता हूं, u की वैल्यू है मेरे पास sin, sin किसका फंक्शन है, log x का, ln x का। अच्छा आप इसलिए कर रहे हैं कि the reason you're doing is because sin में x नहीं है। हाँ ना, वेरिएबल होना बहुत जरूरी है। अच्छा तो डी ये तो बहुत, हाँ ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। नहीं नहीं ये तो जनरल मैथ के है ना, ये तो कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, कितना इसके लिए आपको, आपको कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए मैथ का, ठीक है। हम यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, इज देयर एनी कंफ्यूजन? नहीं अभी तो गई है कोई। ओके अच्छा अच्छा फिर यू की जो है, यू इक्वल टू दिस वन, तो यू को क्या फाइंड करते हैं हम, डी यू फाइंड करते हैं। So simply du find करूंगा। अच्छा du, हाँ अब देखो इसके अंदर क्या होगा, cos का हो जाए, sin का हो जाएगा cos ln x, ln x और derivative भी होगा, derivative किसका हो जाएगा, x का derivative होता है ना, तो ये हो जाएगा ln x का derivative, ठीक हो गया। ये बात समझ आई आपको? नहीं cos sin का cos times ln x क्यों लिख रहे हैं, तो 1 over x होना चाहिए ना। नहीं 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 उस पे तो इंटीग्रेशन अप्लाई, डेरिवेशन अप्लाई नहीं हुई ना। ओ अच्छा ये वो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हाँ हाँ पहले पहले क्या हुआ, sin cos बन गया, समझो cos x, cos x sin x क्या होता है, cos x dx। अब x की जगह मेरे पास क्या है, ln x है, तो ln x का भी साथ में लिखूंगा ln x dfx। अभी तक मैंने डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया log x पे, हो जाएगा cos ln x और 1 upon x, sorry ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 upon x dx। तो इसको मैं लिखूंगा du, मेरे पास हो जाएगा 1 upon x, आगे लिख लो cos ln x d of x, ये यू की वैल्यू होगी, यहाँ से डी यू की वैल्यू। आपको अभी तो समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन जो है, ये ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा मुश्किल है बात। हाँ जी जी सर। अच्छा डी वी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 डी एक्स है, तो मैंने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन लूंगा 1 डी ऑफ एक्स का, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, v की वैल्यू आ जाएगी x। प्लीज राइट करने से, राइट करने क्योंकि मैं सिमटा लेता हूं, मैंने लिख लिया सर, सब लिख लिया, कंटिन्यू करें कंटिन्यू करें, मैं लिख रहा हूं साथ-साथ में। ओके यहां मैंने, तो ये देखें u की वैल्यू मेरे पास क्या है, sin ln x है, dv की वैल्यू 1 x है, du की वैल्यू ये है और v की वैल्यू x है। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करूंगा। देखो इसके आगे लिख रहा हूं, पहला आ जाएगा u, u की वैल्यू क्या है मेरे पास सर, u की वैल्यू sin ln x, sin ln x बिल्कुल। v की वैल्यू क्या है सर, v की वैल्यू है x, v की वैल्यू x माइनस होल इंटीग्रेशन। अब बताओ अब v की वैल्यू क्या है, x है, v की वैल्यू, v की x है, बिल्कुल ठीक कह रही हो यार। तो फिर अगर उसको x ही x लिखेंगे ना, अभी तो इंटीग्रेट नहीं कर रहे ना, तो we'll write x only। देखो अगेन u v होता है, u dv होता है बेसिकली, इक्वल्स टू
यूवी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ दी, तो v इनटू v dx ना, x dx। हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा, v की वैल्यू क्या है मेरे पास, x है। हाँ दी, और du की वैल्यू क्या है, 1 over x cos ln x dx। yes, 1 upon x cos ln x dx। अभी आपकी दिमाग की बत्ती चलना शुरू हो गई है, ठीक है? ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करती है, इसमें क्या करेंगे हम, बाकी में रिमूव कर देता हूँ सारा। yes. अच्छा, इसमें देखेंगे वन एक्स और ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी और वो ऐसे बनेगी, एक्स पहले लिख लो, सिंगल वेरिएबल होते हैं वो हमेशा सिंप्लीफाई करके हम पहले लिख लेते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन लॉग एक्स एल एन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एल एन एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक हो गया? अभी तक हम सिंप्लीफाई करके हम यहां तक आ गए। हाँ जी ठीक है, ठीक है जी, चलो शुक्र है जी, ठीक है। अच्छा, अब वही मसला आ गया, पहले क्या था साइन, देखो शुरू में इसको मैं फिर मिटा रहा हूँ या इसे मिटा रहा हूँ। अच्छा, अब देखो पहले क्या था साइन एल एन एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स था, ये बात है जी, जिसमें हम ले रहे थे, इसको क्या लिया था हमने, यू ले लिया था और डी एक्स को डी वी ले लिया था। अब इंटीग्रेशन के अंदर देखो यहाँ पे पहले साइन था ना, साइन एल एन एक्स, अब cos ln x है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये u बन गया और d of x जो है ये मेरे पास dv बन गया। अब उसी तरह दोबारा मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक होगी, यहाँ तक समझ आई आपको? dv dx है ना? हाँ हाँ सही है, हाँ हाँ कोई ना। तो अब ये है कि ये सेकंड पार्ट है मेरे पास, ये वाला इंटीग्रल वाला, इसको जो है ये बड़ा थिंग है मेरे पास, ठीक है सर, ठीक है। सो इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, मैं यहां लिखूंगा पीछे, अगर हम देखते हैं इसको साथ में लिखते रहिएगा, यू की वैल्यू मेरे पास आ गई cos ln x और dv की वैल्यू आ गई dx, सो v की वैल्यू x आ गई मेरे पास उसी तरह, और du की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस वन अपॉन x, मुझे पूरा हम अप्लाई करेंगे पहले, या मैं यू कर लेता हूँ, cos ln x हो जाएगा माइनस साइन ln x, और फिर ln x को अप्लाई करूंगा तो वन अपॉन x हो जाएगा, ठीक हो गया, वन अपॉन x d of x, तो डी ऑफ यू जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स साइन एल एन एक्स डी ऑफ एक्स, ये हो गया मेरे पास डी यू, ये हो गया मेरे पास बी, ठीक है, ठीक हो गया। तो इस तरह मैंने अप्लाई कर देना है इस पे, अब ये वैल्यूज लिख ली है आपने? ये लिख दिया सर। अच्छा जी, अब मैं अप्लाई करता हूँ इस पे, अब मेरे पास क्या है कि this will be equals to, ये मेरे पास equal किसके था, x sin ln x minus cos ln x d of x, अब इस पे असल तो मैंने इस पे apply करनी है x sin ln x, तो ऐसे ही रहेगी minus, अब इस पे जब मैं अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा cos की, जो उसमें क्या आएगा पहले u और v की वैल्यू, जो मैंने u और v और सारी u की वैल्यू cos थी, dv की वैल्यू dx है, ये du की वैल्यू है और ये v की वैल्यू है, सो सिंपली उसी तरह मैं बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा x
cos lmx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, अब x x खत्म हो जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा साइन एल एन एक्स, सिंप्लीफाई करने के बाद ठीक है, साइन एल एन एक्स डी ऑफ एक्स बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब इसको आप और सिंप्लीफाई करते हैं, सो सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं ये कलर चेंज करूँ इसका, सो x साइन एल एन एक्स माइनस एक्स कॉस एल एन एक्स, देखो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे और फिर बाहर का नेगेटिव फिर से नेगेटिव कर देगा, तो नेगेटिव ऑफ साइन एक्स एल एन एक्स डी ऑफ एक्स ठीक हो गया जी। बिल्कुल, अब ये जो मेरे पास है जो इंटीग्रेशन है द लास्ट इंटीग्रेशन, ये बेसिकली ये वाली जो इंटीग्रेशन वाली सॉरी सॉरी पॉजिटिव नहीं होगी वो, नहीं देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगी ना मेरे बच्चा, और ये बाहर ब्रैकेट के बाहर भी तो नेगेटिव है ना। अच्छा। तो अब ये जो लास्ट पार्ट है ये मेरे पास ओरिजिनल पार्ट है जो मेरे पास साइन एक्स एल एन ऑफ एल एन एक्स डी ऑफ एक्स बन गया ठीक है। It seems, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखते हैं कि हम अब इस पॉइंट पे आ गए हैं कि जहां से हमने स्टार्ट किया था उसी पे ही वापस आ गए ठीक है। सो हम मैं समझ नहीं पाया दोबारा बोलिए इसको। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जहां से हमने स्टार्ट किया था ये मेरा क्वेश्चन था, हम घूम फिर के उसी पॉइंट पे आके उसी वैल्यू पे दोबारा, यानी कि उस इंटीग्रेशन के अंदर दोबारा वही वैल्यू आ गई। ये सवाल हम सॉल्व कर रहे थे, इसको सॉल्व करते करते एक पॉइंट आ गया कि उसके अंदर ही क्वेश्चन की वैल्यू आ गई है, आ गई ये जी ठीक है। तो हम इसमें एक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू आई, यानी कि इस वैल्यू को आई के रिस्पेक्टिव कर देते हैं, क्या करते हैं इस वैल्यू को आई के रिस्पेक्टिव कर देते हैं, तो ये इसको मैं लिखूंगा एक्स साइन एल एन एक्स माइनस एक्स कॉस एल एन एक्स माइनस आई ठीक हो गया यहां तक जी। अच्छा ये तो आप लिख सकते हो, अब आपने क्या किया आई को इसको रिप्लेस कर दिया आई के साथ ना, तो आप यहां करोगे आई इक्वल्स टू, क्योंकि आगे सॉल्व ये रिपीट होता रहेगा कॉन्टिन्यूस है, इसको सॉल्व करोगे वही वैल्यू आएगी फिर वही वैल्यू आएगी। तो आपने क्या किया जो साइन की वैल्यू इसको आई सपोज कर दी, तो आई इक्वल्स टू एक्स साइन एल एन एक्स माइनस एक्स कॉस एल एन एक्स माइनस आई ले लिया ठीक हो गया जी। अच्छा इस आई को तो लेके अंदर 2i बन गया मेरे पास, 2i इक्वल्स टू दिस वन। सर मुझे अब ये दोबारा समझा सकते हैं आई कैसे लिया आपने? आई इसलिए लिया कि देखो कभी जब भी ना इंटीग्रेशन के अंदर, सॉरी मैं इसको, जब भी इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन वाली वैल्यू, लेट से ये मेरे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और मैंने सॉल्व किया तो वही वैल्यू दोबारा आ गई है, तो ये इसका मतलब है ये रिपीट करेगा, यानी कि ये सॉल्यूशन बार-बार आता रहेगा कॉन्टिन्यूअस है। तो इसको हमने सपोज कर लेना है कि ये वैल्यू किसके बराबर है, आई के बराबर है। ये जब आई के बराबर है तो यहाँ पे भी आई आ जाएगा और इस जगह भी आई आ जाएगा। अच्छा दो मिनट ठीक है। सो आई आई हो गया, आई इक्वल्स टू दिस वन, आई इक्वल्स टू, अब आई के बाद सेकंड पार्ट के अंदर हम कर देंगे इसको आई इधर लेके अंदर, टू आई आ गया ठीक हो गया यहाँ तक ठीक है। अच्छा एक सेकंड, 2i is equal to x sin, हाँ सेम वही जो वैल्यूज है। फिर हम क्या करेंगे जो 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ उस होल के साथ डिवाइड कर देंगे तो 1 upon 2 x sin ln x minus this one हो जाएगा ठीक है। ठीक है तो हम लिख लेंगे जो i की वैल्यू है, i की, अब i क्या था सब्स्टिट्यूट हमने क्या किया था,
साइन ln f ln x d of x, ये बात है। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने की i की जगह आ जाएगा साइन ln x d of x, बिल्कुल ठीक है। और ये इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन, ठीक हो गया। x cos ln x, ठीक है, प्लस c आ जाएगा कांस्टेंट, ताकि हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ऐसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम इसका। वैसे बहुत दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यहां पे लेक्चर एंड कर रहा हूं। ओके ओके सर, ओके देन, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।